हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं दिवाली स्पेशल सूरन की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बिहार में ओल नाम से जाना जाता है और ये दिवाली स्पेशल चोखा है। बिहार में हर घर में इस रेसिपी को बनाया जाता है। ये दिवाली पे खाना शुभ माना जाता है। इसे कहीं कहीं पे जिमीकंद, कहीं कहीं पे सूरन, इंग्लिश में इसे एलिफेंट फूड के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये ओल की चोखा की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ओल का चोखा बनाने के लिए हमने यहाँ पे 400 ग्राम ओल लिया है। ओल का हमने छिलका हटा लिया है। इसमें डालने वाले इंग्रेडिएंट्स आपको बता देते हैं। सरसों का तेल, नींबू जिसका हम रस यूज करेंगे, 4 कली लहसुन को हमने बारीक बारीक काट लिया है, 2 हरी मिर्च को हमने बारीक काट लिया है, अदरक को हमने बारीक काट लिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ता काट लिए हैं। टेस्ट के अनुसार हम नमक डालेंगे। तो चोखा में हम इतने इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं। सबसे पहले हम एक दूसरे बॉल में ये ओल को ले लेंगे और एक चाकू की मदद से इसके हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। यानी कि हमें ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए और ज़्यादा छोटा भी नहीं चाहिए। ऐसे हम इसके पीसेस कर लेंगे। एक बात ध्यान में रखना है, इसको काटने पे थोड़ी सी खुजली हाथ में होती है। उसके लिए क्या करना है, या तो आप नींबू का रस या सरसों का तेल में हाथ में मल लीजिए, उससे फुलाहट नहीं होती है। तो चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। हमने गैस पे एक प्रेशर कुकर रख लिया है। इसमें हम ओल को डाल देंगे और एक ग्लास पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन हमने लगा लिया। अब हम गैस को ऑन करके और इसे हम 4 से 5 व्हिसिल उबाल लेंगे। पहले हम 2 व्हिसिल तेज फ्लेम पे उबालेंगे, फिर हम मीडियम करके इसे उबलने देंगे। यानी कि ओल अच्छे से उबल जाना चाहिए। हमने कुकर में 5 व्हिसिल लगा लिया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसके एयर को निकलने देंगे। प्रेशर कुकर से गैस निकल चुका है। अब हम कवर को खोलेंगे। हम आपको सूरन चेक करके बता दे रहे हैं, यानी कि ओल को अच्छे से उबल चुका है अपना। इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे क्योंकि हमें गरम गरम सूरन को ही मैश करके इसकी चोखा बनानी है। ठंडा होने पे ये थोड़ा सा हार्ड होने लगता है। हमने ओल को बॉल में निकाल लिया है। अब हम किसी फोक से या हार्ड चम्मच हो, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, उसे ऐसे प्रेस करते हुए इसे एकदम चोखा जैसे मैश देना है। ये बहुत आसानी से मैश जाता है। तो हम ऐसे प्रेस करते हुए सभी ओल को मैश लेंगे। तो आप देख सकते हैं, गरम गरम ओल को हमने फोक की मदद से एकदम बढ़िया सा चोखा का रूप दे दिया है। इसे अच्छे से मसलना जरूरी है। ठंडा होने पे आप हाथ भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी गर्म है तो हमने फोक यूज किया है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, सरसों का तेल। इसमें बहुत ही इंग्रेडिएंट्स खास है, इसके बिना चोखा का स्वाद नहीं आता है। अगर आपके पास सरसों का तेल वाला अचार हो तो उसका भी तेल डालने से स्वाद बढ़ जाता है। तो हमने 2 चम्मच इसमें सरसों का तेल डाल दिया। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है चोखा के स्वाद को
बहुत ही बढ़ाने वाला होता है हरी मिर्च, अदरक, धनिया पत्ता। धनिया पत्ता ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, पर इससे भी स्वाद बढ़ जाता है। सारे इंग्रेडिएंट्स को हम चोखा में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। तो यहाँ पे आप अमचूर पाउडर या अचार, जो आम का अचार होता है, उसका मसाला भी डाल के इसमें खटास ला सकते हैं, उससे भी इसका स्वाद बढ़िया होता है। यहाँ पे हम नींबू का रस डालेंगे, शीट को हम निकाल देंगे और अच्छे से हम नींबू निचोड़ लेंगे। बड़ी नींबू है तो हम आधा निचोड़ रहे हैं, छोटी नींबू हो तो आप एक नींबू यूज कर लीजिए। बिहार में खासकर दिवाली पे बनाया जाता है। तो ये तैयार हो गया अपना ओल का चोखा। दिवाली स्पेशल ओल का चोखा बनकर तैयार है। इसे दिवाली पे हर घर पे बनाया जाता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।